Students, today we are going to start our new topic, magnetic materials. What is magnetic materials? First of all, this is our magnetic field. What is magnetic material? किसी भी magnetic field के अंदर हम material रखें, वो material किस किस type के behave करेगा उसके अकॉर्डिंग हमने इनको तीन type में बांट दिया है। पहला diamagnetic material, second one is paramagnetic, and third one is ferromagnetic. What is magnetic materials? First of all, whenever any material is placed in a magnetic field, then how it behaves, from this the magnetic material are classified in mainly three categories. First is diamagnetic, second is paramagnetic, and third is ferromagnetic. So now we have to study what is diamagnetic. So हम start करने जा रहे हैं What is diamagnetic? सबसे पहले diamagnetic है क्या? Diamagnetic एक material है. First of all, diamagnetic material. What is material? Material first of all, material is made up of atoms. Material किससे बना होता है? Atom से. Atom में क्या होंगे? Number of electrons. अब हमारे पास किसी भी atom में कितने number of electron हो सकते हैं? किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. वन इज इवन एंड सेकंड इज ऑड. नाउ इन इवन कैटेगरीज फर्दर वी कैन डिवाइड इट इन टू कैटेगरीज, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड? पेयर्ड मीन्स जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे. एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज. वाई? कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक सेल में या एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर टू लॉज आर एप्लीकेबल. फर्स्ट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकेंड वन इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. पॉली एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के जो रिवॉल्व कर रहा है, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, एन एल एम एल और एम एस. अगर दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट्स मीन्स कि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे. अगर सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करें तो एन एल और एम एल तीनों क्वांटम नंबर सेम हो गए. अब एम एस को डिफरेंट होना पड़ेगा, तो एम एस डिफरेंट कैसे होगा? अगर एक क्लॉकवाइज मूव करे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करे. या हम इसके द्वारा समझ सकते हैं एंगुलर मोमेंटम. अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर वही इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा. तो इसलिए हमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पढ़ना है. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में रखेंगे. तो डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? वो मटेरियल जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, और इवन नंबर में भी कौन से? जिनके अंदर पेयर्ड इवन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेयर इवन एंड पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ अब हम मान लेते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे सेम ऑर्बिट में हैं तो हम उसको बोलेंगे इवन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. अब एंटी क्लॉकवाइज का हम इसके ऊपर ही घूमेगा, लेकिन हम समझने के लिए इसको सेपरेट बना लेते हैं. हमने यहाँ बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट घूम रहा है. एक्चुअल में ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिट सेम है. एक ही ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं. अब इसके मूव करने से हुआ क्या? अब आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग लूप है, कोई भी एक क्लोज लूप है जिसमें से करंट मूव कर रहे हैं, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. और एक करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेटिक डाइपोल. मीन्स कोई भी एक हमारे पास करंट कैरिंग लूप कह लो, या अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो भी एक लूप बनाएगा. मीन्स ये दोनों क्या है? करंट कैरिंग लूप. दोनों मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे. अब अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहा है तो करंट कहाँ आएगा? अपोजिट. इस लूप के अंदर करंट कहाँ आएगा? इस डायरेक्शन में. अब ये देखो इसके अंदर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? अगर हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देखें, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? बाहर। मतलब इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? आउटसाइड द बोर्ड। Here the electron is moving anti-clockwise, so current will be in clockwise direction. So current की डायरेक्शन में अगर हम फिंगर को रोल करें, हमारा जो थंब है वो कहाँ है? अंदर की तरफ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? इनसाइड द बोर्ड। अब अगर ये दोनों ऑर्बिट सेम ही हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर अंदर की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है और इसमें कहाँ था? बाहर की तरफ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड नेट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड नेट जीरो है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा? जीरो। तो डाया मैग्नेटिक वो मटेरियल हैं जिनके अंदर या तो हम ये कहते हैं इवन पेड इलेक्ट्रॉन है, या हम ये कहते हैं कि हर एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा क्या रहेगा? जीरो। अब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये कैसा बिहेव करेगा? अब हमारा ये टारगेट है। कोई भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। अगर करंट कैरिंग लूप है एक मैग्नेटिक फील्ड उसका खुद का है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पे और हो गया। जैसे हमारे पास ये करंट कैरिंग लूप थी, ये हमारा करंट क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज था और ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का है इनसाइड या इनवर्ड द डायरेक्शन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के अंदर की तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ है और ये इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से घूम रहे हैं। जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी या वी स्पीड से घूमे तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स। उसको हम कैसे पढ़ते हैं? F=Q V क्रॉस B। V क्रॉस B देखें, V कहाँ है हमारा? इस साइड। B कहाँ है? अंदर। इसके ऊपर फोर्स कहाँ आएगा? ऊपर की साइड। या आप ऐसे कर लो, इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहा है, करंट कहाँ आएगा? इस साइड। करंट इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ आएगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करंट कहाँ है? इस साइड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। तो फोर्स कहाँ आएगा? नीचे। मतलब यहाँ पर फोर्स कहाँ आएगा? नीचे। यहाँ हमने फोर्स की डायरेक्शन दिखाई है ऊपर, लेकिन अगर वहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कहाँ आएगा? नीचे। मीन्स हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? मैग्नेटिक फोर्स नीचे। सिमिलरली इस केस में करें तो फोर्स कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। वी वेलोसिटी इस साइड है, वेलोसिटी इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ? नीचे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस, माइनस से फोर्स कहाँ? ऊपर। अगर आप इसको करंट की डायरेक्शन से देखोगे तो अभी फोर्स कहाँ आएगा? ऊपर ही आएगा। अब देखो, पहले करंट कैरिंग था, पहले इसमें करंट मूव कर रहा था, करंट मूव कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था? मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और एक इसके ऊपर की सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में होने की वजह से क्या लगेगा? फोर्स। तो एक यहाँ पर क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर भी क्या है? सेंट्रीपिटल। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों के सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज है तो mv²/r भी इंक्रीज होगा। इट्स मीन v क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन की तो करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। करंट विल ऑल्सो बी इंक्रीज। इफ करंट इज इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी। मतलब पहले जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ था, अब वही मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ इंक्रीज है। अगर हम इस केस में देखें, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? मैग्नेटिक फील्ड पहले हमारा था इनसाइड, अंदर की तरफ। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कहाँ है? ऊपर। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ था? नीचे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ओवरऑल इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? पहले नीचे था, अब उसका एक पार्ट कहाँ काम कर रहे हैं? ऊपर। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? डिक्रीज। सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज होगा तो mv²/r डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होगा। अगर स्पीड हमारा डिक्रीज हो रहा है तो करंट भी डिक्रीज और मैग्नेटिक फील्ड भी। मतलब जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया और मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद क्या हो रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अब देखो, पहले जितना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में था उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, कैंसिल होकर जीरो। अब इस केस में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटसाइड। तो हमने यहां से देखा, जब भी डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमने कहां लगाया? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कहां हुआ? बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमने अब तक क्या सीखा? डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पहली बात इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरी बात जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इवन है, लेकिन इवन होने के साथ साथ पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन कहाँ? अपोजिट डायरेक्शन में, और हर एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? जीरो। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमने जो नेट मैग्नेटिक फील्ड डायामैग्नेटिक ने प्रोड्यूस किया है, कहाँ किया है? बाहर की तरफ। अगर बाहर की तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला, मान लो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करेंगे, मान लो इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ, क्योंकि साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है। अगर हम यहाँ पर एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स अपोजिट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या होगा? प्रोड्यूस। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस है तो ये पोल किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ। अब पहली बात तो यही, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। जो भी हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसके अंदर डायामैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, कहाँ हुआ है? अपोजिट डायरेक्शन। दूसरी बात, अब ये देखो, ये इसके ऊपर रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है तो ये कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वीक है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल कहाँ से कहाँ मूव करेगा? मूव्स फ्रॉम हायर मैग्नेटिक फील्ड टू लोअर मैग्नेटिक। ऐसे समझो, एक हमारे पास इस टाइप का सब्सटेंस है और इस टाइप के सब्सटेंस के अंदर हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स भर रखा है। अगर हम यहाँ पर नॉर्थ पोल, नॉर्थ मान लो चाहे साउथ मान लो, इस पोल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वीक। अब जो हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हाइयर मैग्नेटिक फील्ड टू लोअर मैग्नेटिक। यहाँ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हाई है, यहाँ क्या है? लो। तो ये मटेरियल थोड़ी देर के बाद अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेगा, मतलब जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां डायामैग्नेटिक मटेरियल कम रहेगा, जहां वीक है वहां पर ज्यादा, क्योंकि ये कहां से काम मूव करता है? हाई से लो। इसके बाद मान लो ये हमारे पास जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये मैग्नेटिक फील्ड बी नोट है। अगर हम इसके अंदर डायामैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं तो डायामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ आएगा? जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, हमने मान लिया बी। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? बी नोट इस डायरेक्शन में है, बी एम अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? डिक्रीज। तो जब भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो हमने एक टर्म पढ़ी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? म्यू आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड एंड व्हेन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज नॉट प्लेस्ड। इनमें से कौन ज्यादा है? बी नॉट, क्योंकि बी क्या हो रहा है? बी नॉट माइनस बी है, मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से कम है, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी? लेस देन। तो डायामैग्नेटिक मेटल के केस में हर बार रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या रहेगी, लेस देन 1। नेक्स्ट पॉइंट, हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर हम यहाँ से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालें तो क्या आएगा, म्यू आर माइनस 1। अब जो म्यू आर हमारा क्या है, लेस देन 1। लेस देन 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमेशा क्या आएगा, 1 लेस देन, मतलब जो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो भी हमेशा लेस देन 1 रहेगा, या हम इसको ऐसे कह दो ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, हमने देख लिया कि ये मान लो एक हमारे पास डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है। अगर हम इसके अंदर डायामैग्नेटिक मटेरियल को रख देते हैं तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड रिपेल होके थोड़ा दूर से निकल जाएगा, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगा क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, क्या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? अभी हमने लास्ट जो स्लाइड जिसमें देखा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, साथ साथ करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जितना स्पीड इस केस में बढ़ा है, या हम कहते हैं जितना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ भी बढ़ेगा। तो क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड पर कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा, मतलब जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस।